साल 2000 में आई एक्शन ड्रामा फिल्म मेला में गुज्जर एक खौफनाक विलेन का किरदार निभाने वाले अभिनेता टीनू वर्मा ने बड़ी शिद्दत के साथ पर्दे पर खुद को उतारते हुए इतना बड़ा नाम कमाया कि हर घर में इनकी चर्चा होने लगी थी। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेता टीनू वर्मा की प्रोफेशनल लाइफ से तो अच्छे से वाकिफ हैं, पर क्या आप इनके रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते हैं कि इनके घर में कौन कौन है, वो सभी क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको इनके घर के एक एक सदस्य से मिलवाते हैं, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेला फिल्म से जाने जाने वाले अभिनेता टीनू वर्मा का जन्म 2 सितंबर को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, जिनके परिवार में इन्हें मिलाकर कुल 11 सदस्य हैं, जिसमें ये इनके मम्मी पापा, एक सगा भाई और 4 सौतेले भाई, अपनी वाइफ और 2 बच्चे शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करें इनके परम पूज्य पिता की, तो वो बिजनेसमैन है और उनका नाम बद्री प्रसाद जयदेव वर्मा है, पर उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। वहीं इनकी हाउसवाइफ मॉम से जुड़ी कोई रिलेटेड जानकारी भी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। माता पिता के बाद बात करें इनके भाइयों की, तो जहां इनका सगा भाई महेंद्र वर्मा एक एक्टर है जिन्होंने बॉलीवुड में कई सारी फिल्में दी हैं, वहीं इनके 4 सौतेले भाई पप्पू वर्मा एक प्रोड्यूसर है, वहीं बिक्कू और मनोहर वर्मा स्टंट परफॉर्मर है और जीतू वर्मा एक एक्टर है, जिनमें से कुछ ही की पिक्स इंटरनेट पर मौजूद है। लेकिन अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ में, इनकी वाइफ के बारे में, तो उनका नाम वीना वर्मा है और वो एक हाउस वाइफ होने के चलते अपनी घर गृहस्थी बल्लीवादी संभाल रही है, जिनसे इन्हें 2 बेटे भी हैं जिनकी पिक्चर्स के अलावा कोई जानकारी मौजूद नहीं है। तो आपको अभिनेता टीनू वर्मा के परिवार में कौन अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।